नमस्कार दोस्तों, आई एम सी ए रोहित लुधियानी। मैं आपके इनकम टैक्स के पेपर का पार्ट बी लेने वाला हूँ। पार्ट वन, पार्ट ए आपका अमित ईसानी सर ने पहले से पढ़ा दिया है, मैं आपको पार्ट बी पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट ए जो आपका है वो प्रैक्टिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल पोर्शन मतलब जिसमें सवाल वगैरह हैं, और पार्ट बी जो आपका है ये आपका थोड़ा थ्योरी है जिसमें आपको चीज़ें याद करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, समझने के साथ साथ याद करने की भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक बार ज़रा जल्दी से अपना कोर्स देख लें कि क्या क्या हमें पढ़ना है अपनी क्लासेस में, उसके बाद हम आगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये है जी आपका इंडेक्स, देखते हैं जी हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले एक सबसे पहला पहला हमें पढ़ना है असेसमेंट प्रोसीजर्स, दूसरा हमें पढ़ना है पेनल्टीज़। मैं आपको छोटा छोटा सा एक बेसिक बताता जाता हूँ सबका, वैसे आपको असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में पहले से जानकारी है थोड़ी सी। असेसमेंट प्रोसीजर्स में आपके आते हैं जो आपके स्क्रूटनी असेसमेंट्स वगैरह होते हैं, असेसमेंट एंड री असेसमेंट होते हैं, इनकम स्कीपिंग असेसमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसके बाद आपका आता है पेनल्टीज़, बहुत सारी पेनल्टीज़ हैं हमारे पास, पेनल्टी है हमारे, रिटर्न भरने हम नहीं भर पाए, टीडीएस नहीं काट पाए हम, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी पेनल्टीज़ हैं पढ़ेंगे हम। इसके अलावा एक बॉडी होती है सेटलमेंट कमीशन, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। असेसमेंट से जो दुखी होते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट हो चाहे हम एसएससी हो, वो जाते हैं अपील्स में, अपील्स एंड रिविजन करके हमारा चैप्टर है, इसकी भी हम बारीकियाँ समझेंगे। एडवांस रूलिंग्स हैं, सर्च एंड सीजर है, सर्च एंड सीजर में आपके पास में है छापा वगैरह, एसएससी को जो रिफंड दिए जाते हैं कभी कभी ज़्यादा चला जाता है, उस रिफंड पर इंटरेस्ट कैसे आएगा, रिकवर कैसे होगा, हम रिफंड पर इंटरेस्ट कितना देंगे। इसके बाद में आपका टैक्स रिकवरी, जब एसएससी पैसा नहीं देना चाहता है तो हम उसके पैसा कैसे वापस लेते हैं। उसके बाद में है ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, हम इसकी अच्छे से बेसिक समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे सारा। और जो भी टॉपिक्स इन सब चैप्टर्स में फिट नहीं हो पा रहे थे वो अदर टॉपिक्स में है, याद रहे ये अदर टॉपिक्स का नाम हमने रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बस ये किसी भी चैप्टर में आपके फिट नहीं हो रहे थे इसलिए हमने उसको अलग से एक टॉपिक में डाला हुआ, जबकि सबसे बड़ा चैप्टर आपका अदर टॉपिक्स ही है। थोड़ा सा हम डाउट सॉल्विंग का, वैसे आपको अमित सर ने पहले से बता रखा है, हम डाउट सॉल्विंग का देखें कि हमारे डाउट्स किस तरह से सॉल्व होंगे। डाउट सॉल्व करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपनी क्वेरी वॉइस रिकॉर्ड करके, किस तरह से वॉइस रिकॉर्ड करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजेंगे। वॉइस रिकॉर्डिंग भेजने से पहले आप अपना नेम ज़रूर मेंशन कीजिएगा और अपना पेपर आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो मुझे ज़रूर भेजिएगा, और 12 नून से लेकर 9 पीएम तक मैं आपकी क्वेरी आंसर करूँगा। जब आप भेजेंगे उसके एक घंटे के अंदर नॉर्मली आपको आंसर मिल जाएगा, अगर ना मिले तो हो सकता है मैं किसी और की क्वेरी आंसर करने में बिजी हूँ या किसी और काम में बिजी हूँ, तो मैक्स आपको 2 आवर्स के अंदर मैं भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके आपके पास व्हाट्सएप पर भेज दूँगा। चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है असेसमेंट प्रोसीजर्स। असेसमेंट प्रोसीजर्स में हम ज़रा देखें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मोटे तौर पर असेसमेंट में हम एक तो पढ़ने वाले हैं सेक्शन 143 का स्क्रूटनी असेसमेंट, इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं 147 का इनकम स्केपिंग असेसमेंट, हम पढ़ने वाले हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकी बारीकियां हम अभी जानेंगे। एक हम मोटे तौर पर पहले आइडिया ले लें कि हमें इनमें क्या क्या पढ़ना है। स्क्रूटनी असेसमेंट में हमें देखना है कि स्क्रूटनी असेसमेंट कब कब हो सकता है, स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए नोटिस देना है, नोटिस का पीरियड, इसका कंप्लीशन की टाइम लिमिट। वैसे तो इन सब सारे असेसमेंट में बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं पढ़ने के लिए, पर हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में जितनी चीज़ें पूछी गई हैं पास पेपर्स में और उसके दाएं बाएं की चीज़ें हम आपसे आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए इनकम स्केपिंग असेसमेंट में भी मोटे तौर पर ये सारी चीज़ें पढ़नी है, और हम पढ़ेंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है और कब होता है। चलिए इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, पहले हम ये कवर करें उसके बाद हम उन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आइए चलिए सबसे पहले हमने लिखा है जनरल ओवरव्यू। मैं आपको अपने बुक्स का थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूँ, अपनी जो मेरी बुक है उस बुक में मैंने बहुत ही रिवीजन फ्रेंडली बुक बनाई हुई है आपकी। आप चीज़ों के बीच में देखेंगे जो भी आपके सेंटेंस हैं उसमें मैंने वर्ड्स को बोल्ड किया हुआ है,
वर्ड बोल्ड करने का मतलब क्या है, हर सेंटेंस में आपको चार से पांच या तीन से चार वर्ड्स बोल्ड मिलेंगे। इन चीज़ों की महत्व आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब आप रिवीजन करने बैठेंगे क्लासेस के बाद तब आपको बहुत ज़्यादा महत्व इसका समझ में आएगा। अच्छा, महत्व क्या है इसका? महत्व ये है कि जब आप तीन चार वर्ड्स पढ़ लेंगे ना, वो सारे वर्ड्स पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा इन तीन चार लाइन्स में, इस पैराग्राफ में क्या है बात। तो जैसे ही आपको वो तीन चार वर्ड्स पढ़ के याद आ गया कि इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में किस विषय पर बात हो रही है, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूँ चुटकियों में क्लिक हो जाएगा वो। चलिए, सबसे पहले पहले हमने जनरल ओवरव्यू दिया हुआ है कि असेसमेंट्स होता क्या है, और आइए पढ़ते हैं। असेसमेंट्स आर द टूल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू वेरीफाई द इनकम्स एक्सपेंसेस टैक्स कैलकुलेशन एक्सेट्रा सबमिटेड बाय द एसएससी थ्रू सेल्फ असेसमेंट सिस्टम। सारे एसएससी सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं और जमा करते हैं। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स डन बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। वी विल बी लर्निंग द रिलेवेंट पार्ट्स ऑफ सच असेसमेंट विच इज नीडेड फॉर एग्जाम पर्पस। यही बात मैंने आपसे बोली थी अभी। एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, हमें सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्योंकि जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो आपके दूसरे सब्जेक्ट में कवर है। चलिए, सबसे पहला पहला मैंने आपको बताया स्क्रूटनी असेसमेंट हम पढ़ेंगे। ये आपका स्क्रूटनी असेसमेंट सेक्शन 143 है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो सेक्शन नंबर्स हैं आपके पेपर का जो पैटर्न है, हमने ऑब्जर्व किया है, सेक्शन नंबर को बहुत ज़्यादा महत्व देता है आपका डिपार्टमेंट। देना भी चाहिए, आपको सेक्शन नंबर याद होने चाहिए। कई सारे सेक्शंस आएंगे हमारे सिलेबस में, अब हम याद कैसे करेंगे उन्हें? हम क्या करेंगे, क्लास जब हमारी ख़त्म हो रही होगी, डेली जो भी हम क्लास लेंगे उसके आखिरी के 10 मिनट में, लास्ट 10 मिनट्स में हमने उस क्लास में क्या क्या पढ़ा वो सारा हम रिवाइज करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके स्टार्टिंग 10 मिनट्स में हम रिवीजन करेंगे। तो टोटल पर डे हमारा 10 + 10 20 मिनट्स का रिवीजन होगा। इस तरह से तेज़ तेज़ आपका रिवीजन होगा। सेक्शन याद कराने के लिए मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है, उसको कहते हैं ऑनेस्टी। हम आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसलिए ये चीज़ इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब जब मैं बोलूं, बोल बोल के आपको याद कराऊं चीज़ें, तो आपको जहां पर भी आप बैठे हों, घर पर आप क्लास ले रहे हैं मोबाइल पर, आपको मेरे साथ में बोलना जब मैं रिवीजन कराऊं। जब आप रिवीजन करेंगे उस तरह से मेरे साथ में आपको चीज़ें रिटेन होने लगेंगी जल्दी जल्दी से, सेक्शन नंबर आपको याद होने लगेंगे। चलिए, सबसे पहला पहला हमारा है सेक्शन 143 हमें पढ़ना है, 143 स्क्रूटनी असेसमेंट। फिर मैंने वही बात दोबारा से रिपीट करनी है कि आपको स्क्रूटनी असेसमेंट सिर्फ सेक्शन 143 नहीं, 143-3, सेक्शन 143 का सब सेक्शन 3 आपको पता होना चाहिए कि 143-3 इस विषय में बात करता है, स्क्रूटनी असेसमेंट के विषय में। क्या बात करता है जी? हम देखें, हम बुक पढ़ने से पहले आप थोड़ी सी बातें जान लें। 143-2 में स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए नोटिस भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? नोटिस। क्या नोटिस भेजा जाता है? ये नोटिस भेजा जाता है एसएससी को कि साहब आपका केस हमने स्क्रूटनी में डिसाइड किया है, हमने सेलेक्ट किया है आपका स्क्रूटनी में केस, तो आप आइए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर, या जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पर आपने अपनी इनकम कैलकुलेट की, अपना टैक्स कैलकुलेट किया, अपने एक्सपेंसेस क्लेम किए, वो सारी बुक्स लाइए और हम आपकी सारी की सारी बुक्स को चेक करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे उसकी। सेक्शन 143-2 इस सेक्शन में नोटिस भेजा जाता है कि 143-2 हम आपको बुला रहे हैं, आइए अपनी बुक्स चेक कराइए। फिर साहब 143-3 लगता है, 143-3 कहता है प्रोसेस कि मुझे क्या क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना है, क्या क्या चेक करना है, इसके लिए रूल्स बने हुए हैं, एओ साहब को किस तरह से, एसेसिंग ऑफिसर साहब को किस तरह से चीज़ों को जांचना है ना। अब नोटिस की बात निकली है तो हम जरा जाने कि नोटिस की टाइम लिमिट क्या है, नोटिस की टाइम लिमिट क्या है, कब तक भेज सकते हैं, क्या आजीवन भेज सकते हैं, 1980 का नोटिस मैं आज भेज दूँ? नहीं भेज सकते सर, नहीं भेज सकते। देखते हैं टाइम लिमिट क्या है। स्क्रूटनी असेसमेंट इट इज नोन एज रेगुलर असेसमेंट। आपके ओटी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसकी भी मैं आपको एक बार डिटेल में बताता जाऊंगा हल्का हल्का कि कहां कहां से उन्हें क्वेश्चंस आपके पुराने पूछे हुए हैं, जिससे आप वहां पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे सकें, अटेंटिवली सुन सकें। आपके पुराने क्वेश्चंस में पूछा हुआ है उन्हें कि इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर असेसमेंट, वो आपके क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ये जो फॉलोइंग हमने दिए हुए हैं इनमें से बताओ रेगुलर असेसमेंट किसको कहते हैं। तो साहब स्क्रूटनी असेसमेंट को ही रेगुलर असेसमेंट हम कहते हैं, स्क्रूटनी असेसमेंट को ही रेगुलर असेसमेंट कहते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपको अपने नोट्स में मार्क करते हुए जाना है, अपने नोट्स में आपको लिखते हुए जाना है ये बात कि रेगुलर असेसमेंट स्क्रूटनी असेसमेंट को कहते हैं। आप अंडरलाइन कीजिए,
आप हो सके तो कोई दो कलर की पेन्स यूज़ कीजिए जिससे आप अच्छे से हाईलाइट कर पाएँ चीज़ों को। जितना हाईलाइट करेंगे उतना आपके एग्जाम्स के लिए ईजी होंगी चीज़ें याद करना, रिटेन करना। चलिए, ओहो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। दिस असेसमेंट कैन बी डन ओनली इफ रिटर्न इज फाइल्ड बाय द एसएससी। मैंने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं हो सकता साहब, है ना। अगर उसके केस में असेसमेंट करना हो तो एओ साहब क्या करते हैं, नोटिस भेज के रिटर्न भरवाते हैं। अपना रिटर्न भरिए, उसके बाद फिर असेसमेंट करा जाएगा, है ना। वो किस सेक्शन में मंगाते हैं हम पढ़ेंगे आगे दूसरे चैप्टर में। चलिए टाइम लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पर टाइम लिमिट लिखी हुई है, टाइम लिमिट क्या लिखी हुई है, नोटिस इज इशूड अंडर सेक्शन 143(2), मैंने आपको पहले से बताया। नोटिस शुड बी सर्वड, सर्वड मतलब समझते हैं, सर्वड मतलब पहुंच जाना चाहिए, सिर्फ भेजना नहीं है आपको, सर्व करना है नोटिस। सर्व करना मतलब एसएससी के पास पहुंच जाना चाहिए। कब पहुंच जाना चाहिए एसएससी के पास, वो 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। इन बातों को आप हाईलाइट करते चलिएगा, 6 मंथ्स में पहुँच जाना चाहिए। कब से 6 मंथ्स, मान लीजिए असेसमेंट ईयर 2018-19 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का मैंने ITR फाइल किया था 25 जुलाई 2018 को। वेल विद इन टाइम है, आपको टाइम लिमिट्स याद होनी चाहिए, आपको अमित सर ने बताई होंगी। वेल विद इन टाइम आपका भरा हुआ है रिटर्न 25 जुलाई। वो क्या कह रहे हैं, 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। कौन से फाइनेंशियल ईयर में ये रिटर्न फाइल हुआ है, ये इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ है, ये इस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न है जो 25 जुलाई 2018 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में फाइल हुआ है, में फाइल हुआ है। ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च 2019 में ये एंड होता है, यानी कि यहाँ से 6 मंथ्स यानी कि 30 सितंबर 2019 तक इस फाइनेंशियल ईयर का नोटिस मेरे घर पे पहुंच जाना चाहिए, यानी कि इस डेट तक मेरे पास नोटिस पहुंच जाना चाहिए। अच्छा जी, नोटिस में क्या बुलाया उन्हें, नोटिस में कह के बुलाया, आइए अपनी बुक्स लेके आइए मेरे पास चेक कराइए, ठीक है जी। इसकी टाइम लिमिट आपको ये याद रखनी पड़ेगी, कौन सी टाइम लिमिट, एक तो नोटिस भेजने की टाइम है, दूसरा आपका असेसमेंट मुझे कंप्लीट भी तो करना है। नोटिस मैंने भेज के मंगवा तो ली अपनी बुक्स, अब मुझे असेसमेंट कंप्लीट करना है। असेसमेंट कंप्लीट कब तक करना है, इसकी 3 तारीखें हैं जी। 3 तारीखें कौन सी हैं, अलग अलग आपको तीनों साल की याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स का भरोसा नहीं है कि वो असेसमेंट ईयर 18-19 का ही क्वेश्चन पूछे, असेसमेंट ईयर 17-18 का भी वो पूछ सकता है पीछे से। तो ये 3 टाइम लिमिट्स कौन सी हैं, असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए कब तक है, 21 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच इनकम वॉज फर्स्ट असेसिबल। हाँ जी, थोड़ा सा मिसप्रिंट है जी हमारी बुक में, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कहाँ पर मिसप्रिंट है जी, मिसप्रिंट है यहाँ पर, जो लिखा है ना यहाँ पर, फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18 अप टू 21 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ अ मंथ लिख गया है यहाँ पर गलती से। असेसमेंट ईयर इसको करिए काट के, ये जो मंथ है, ये जो जहाँ पर मैं गोला लगा रहा हूँ, इस मंथ को तीनों में करना है हमें, इस मंथ को काटकर असेसमेंट ईयर कर दीजिए। असेसमेंट ईयर, ध्यान से सुनिए, इस मंथ को काटकर असेसमेंट ईयर कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या है जी, हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, अप टू 21 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच इनकम वॉज फर्स्ट असेसिबल। देखिए जी, देखें पहले हम यहाँ पर आपको लिख के दोबारा से बता दें, आप सही करें उसको, 21 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इन विच इनकम वॉज फर्स्ट एसेसिबल। कौन से साल के लिए है ये, असेसमेंट ईयर 2017-18 इस साल के लिए है ये 21 मंथ्स, यानी कि असेसमेंट ईयर 2017-18 का असेसमेंट ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च 2018 को, यही होता है ना, नहीं, 31 मार्च 2018 से 21 मंथ्स काउंट कर लीजिए। 21 मंथ्स कब खत्म होते हैं, 21 मंथ्स यहाँ पर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, इसको आपको करना है एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर,
कब तक कंप्लीट करना है जी? कब तक होते हैं जी बताइए? 31 दिसंबर 2019 तक ही होते हैं। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2019 तक होते हैं। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग ईयर की डेट्स दी हुई हैं। 2017-18 तक के जितने भी असेसमेंट ईयर्स थे, हमको 21 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच इनकम वॉज फर्स्ट एसेसिबल, इनकम कब फर्स्ट एसेसिबल होती है उस असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर 2018-19 से ये डेट घटाई गई, यानी कि असेसिंग ऑफिसर्स पे लोड बढ़ाया गया कि आपको अब जल्दी जल्दी से ख़त्म करके देना है काम, है ना। अगले साल से असेसमेंट ईयर 19-20 से तो और कम कर दीजिए, 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इन विच इनकम वॉज फर्स्ट एसेसिबल, ठीक है जी। इस बीच में एक घटना घटित होती है। कौन सी घटना घटित होती है? असेसमेंट के बीच में मैंने अपना केस ट्रांसफर प्राइजिंग ऑफिसर TPO को रेफर किया। केस TPO, ट्रांसफर प्राइजिंग ऑफिसर को मैंने अपना केस रेफर किया। मैं कौन? मैं असेसमेंट ऑफिसर। मैंने अपना केस ट्रांसफर प्राइजिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड किया क्योंकि ट्रांसफर प्राइजिंग इन्वॉल्व थी उसमें। ट्रांसफर प्राइजिंग क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो सब हम ट्रांसफर प्राइजिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। हम सिर्फ इतनी सी बात अभी जान लें, कुछ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं फिरंगियों के। कौन से ट्रांजेक्शन? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनके लिए कई बार असेसिंग ऑफिसर साहब को पता नहीं होता है। बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल टैक्सेशन इन्वॉल्व होता है उसमें, तो साहब वो ट्रांसफर प्राइजिंग ऑफिसर को बोल देते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे करके बताओ थोड़ा सा, ये बात हेल्प करो। तो जब AO साहब अपना थोड़ा सा काम ट्रांसफर प्राइजिंग ऑफिसर साहब से लेने के लिए, TPO साहब से लेने के लिए उनको रेफर करते हैं केस, उसके लिए हमारी टाइम लिमिट ये बढ़ जाती है। जो भी हमारे पास टाइम लिमिट्स लिखी हुई है ना, वो 12 महीने से बढ़ जाएंगी। मैंने ये नहीं कहा 12 महीने हो जाएंगी, 12 महीने से बढ़ जाएंगी, यानी कि 21 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स 33 मंथ्स ये हो जाएगी। इस तरह से और भी टाइम लिमिट्स हैं आपकी, 18 महीने वाली हो जाएगी 30 महीने, 12 महीने वाली हो जाएगी 24 महीने, ओके। चलिए इसके बाद हमारा अगला है सेक्शन 147, असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। हम क्या होता है, यहाँ जरा सा जानें इसको। सेक्शन 147 ये होता है जब किसी साल की इनकम किसी कारणवश रह जाती है एसेस होने से, उसको हम सेक्शन 147 में एसेस करते हैं। क्या करते हैं? इसका नाम है असेसमेंट और रीअसेसमेंट, यानी कि जिसका पहले से भी असेसमेंट हो रखा है हम उनका भी असेसमेंट दोबारा से कर सकते हैं। असेसमेंट और रीअसेसमेंट, ये वाला असेसमेंट तब भी हो सकता है जब हमने पहले से रिटर्न फाइल या तो किया हो या नहीं किया हो। मैं आपको याद दिलाऊं, 143 वाला तभी हो सकता है जब रिटर्न मैंने फाइल किया हो। इसमें रिटर्न फाइल नहीं किया हो हमारा, तब भी काम चल जाएगा। इसका नोटिस आता है हमारे पास सेक्शन 148 में। 148 हमको पावर देता है कि आप सेक्शन, आप अपना नोटिस भेज सकते हैं असेसमेंट और रीअसेसमेंट के लिए। ये बड़ा सेक्शन है, इसमें बड़े केसेस होते हैं, बड़े केसेस इसमें पुराने भी हो सकते हैं जी। तो AO साहब के पास रीजंस टू बिलीव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रीजंस टू बिलीव। सर रीजंस टू बिलीव क्या होता है? रीजंस टू बिलीव होते हैं ऐसे ठोस सबूत जिनके बेसिस पर मैं पुख्ता तौर पर कह सकता हूँ कि साहब इस फलाने SSC ने इनकम अपनी छुपाई है। वो क्या हो सकते हैं? बैंक से डिटेल आ गई, किसी और SSC का स्क्रूटनी चल रही थी उसमें से डिटेल निकली कि मैंने इनकम कमाई है, मैंने कौन, अब मैं SSC हो गया, मैंने इनकम कमा रखी है, वो मुझे दूसरे से पता चली। पर ये ठोस होने चाहिए, ये नॉट ओनली ओपिनियन होने, AO साहब के सिर्फ ओपिनियन पे, AO साहब के सिर्फ मन मर्जी पे काम नहीं चलेगा, ये जो है ठोस रीजंस होने चाहिए, ठोस रीजंस, है ना। 148 में नोटिस जाता है इसका, नोटिस की टाइम लिमिट है, इसके असेसमेंट कंप्लीशन की भी टाइम लिमिट है। आइए हम देखें क्या क्या है वो। सेक्शन 147 का एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया हुआ है। नोटिस फॉर दिस सेक्शन इज सेंट अंडर सेक्शन 148। मैंने आपको बताया दिस असेसमेंट कैन बी डन इवन इफ नो रिटर्न इज फाइल्ड बाय द SSC। हमें रिटर्न नहीं भरा तो भी कर सकते हैं असेसमेंट। सच रीजन शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, रीजन टू बिलीव होना चाहिए और वो रीजन लिखित में होना चाहिए, लिखित में। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट कौन सा सेक्शन बताता है? थोड़ी सी कठिनाई हमें आ सकती है इस चीज़ में। क्या क्या है हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या क्या है हमारे पास 147 में आपका असेसमेंट होगा। ये थोड़ी बुरी चीज़ है सेक्शन याद करना, पर आपको करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में वो डायरेक्ट सेक्शन नंबर से भी पूछ लेते हैं। अब जैसे जैसे हम कोर्स में जाएंगे आपको पता चलेगा
कि वो बहुत ज़्यादा डीप में सेक्शन भी पूछ लेते हैं, सेक्शन नंबर्स जो कोई याद नहीं रख सकता, पर जितने हैं हम याद कर सकते हैं मैं आपको याद कराऊंगा यहाँ पर बैठ कर। सेक्शन 147 में असेसमेंट होता है, 148 में नोटिस आता है, 148 में नोटिस आता है, 149 में इसी नोटिस की टाइम लिमिट दी है जो हमने उसमें भी पढ़ी थी 143 में, उस टाइम लिमिट ये कब तक दिया जा सकता है। 151 आपका सेक्शन है, हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है अपने सीनियर से असेसमेंट करने के लिए, इसमें अप्रूवल है। 153 जो सेक्शन है आपका, इस सेक्शन में दिया हुआ है आपकी टाइम लिमिट कंप्लीशन की, कि मुझे कब तक कंप्लीट करना है। चलिए जल्दी जल्दी से हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नोटिस, ये बीच में नोटिस अगले पेज पर दिया हुआ है इसका। सेक्शन 149 नोट क्या है हमारा, सेक्शन 149 हमने अभी अभी जाना, 149 में है हमारे नोटिस की टाइम लिमिट, हमें नोटिस कब तक देना है। नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शैल बी इशूड फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तीन टाइम लिमिट्स हैं इसमें, हम पहले पढ़ लें कौन कौन सी तीन टाइम लिमिट्स हैं। तीन टाइम लिमिट्स हैं इसमें, एक तो 4 ईयर्स, दूसरी आपकी टाइम लिमिट है 6 ईयर्स, तीसरी आपकी टाइम लिमिट है 16 ईयर्स। देखें जी 4 ईयर्स कब तक है, 16 ईयर्स कब तक है, कब से कब तक है, कौन से केस में है, जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं साथ में। नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शैल बी इशूड फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ए इफ 4 ईयर्स हैव लैप्स्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अनलेस द केस फॉल्स अंडर क्लॉज बी या सी। क्या मतलब हुआ कि जनरली तो 4 साल है, पर अगर बी और सी जो अगले पॉइंट्स हैं, बी और सी में अगर केस आपका फॉल कर रहा है तो वो टाइम लिमिट दूसरी भी हो सकती है। जनरली 4 ईयर्स है, पर दूसरे केसेस में आप फॉल कर रहे हो तो आपकी टाइम लिमिट ज़्यादा भी हो सकती है। कौन सी है जी, तो हमें पहले बी पे पढ़ना पड़ेगा, बी क्या कह रहा है। इफ़ 4 ईयर्स बट नॉट मोर देन 6 ईयर्स हैव लैप्स्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अनलेस द इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट अमाउंट टू और इज लाइकली टू अमाउंट टू 1 लाख रुपीज और मोर फॉर दैट ईयर। यानी कि ये तो मुझे समझ में आ गया कि अगर आपकी इनकम मोर देन इक्वल टू 1 लाख है तो आप 4 साल से ज़्यादा समय पर भेज सकते हो। अगर आपकी इनकम 1 लाख या उससे ज़्यादा, इनकम क्या जो इनकम एस्केप हुई है असेसमेंट से, हम ये असेसमेंट करी तो इसलिए रहे, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, वो इनकम जिसका असेसमेंट नहीं हो पाया था, इनकम छुपाई गई थी किसी कारण से, चाहे इच्छा से हो अपनी या बिना इच्छा के हो, गलती से हो बिना गलती से, वो छुपाई गई थी। अगर वो इनकम 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, एओस आपके पास रीजंस टू बिलीव हैं कि 1 लाख रुपये से ज़्यादा वो होगी, तो हम 6 ईयर्स तक नोटिस भेज सकते हैं। 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अगर मैं 2014-15 की बात कर रहा हूँ, 31 मार्च 2015 को एंड हुआ था ये वाला असेसमेंट ईयर, 31 मार्च 2015 से लेके 6 साल लगा लीजिए आप, 31 मार्च 2021 तक मेरे पास नोटिस आ सकता है इस साल का, है ना। ठीक है जी, अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो इस केस में होगा। तो तीसरा केस क्या है, इफ 4 ईयर्स बट नॉट मोर देन 16 ईयर्स, 16 साल तक नोटिस जा सकता है। अच्छा, हैव लैप्स्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अनलेस द इनकम इन रिलेशन टू एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया चार्जेबल टू टैक्स। ये वाला क्या है, आउटसाइड इंडिया की बात है जी, कोई एसेट बाहर है, कोई इन एसेट्स के बारे में बात हो रही है, इंडिया के बाहर है, फिरंगी एसेट्स हैं, इनके बारे में बात हो रही है। ये वाली इनकम, इन आउटसाइड इंडिया की इनकम वाली अगर जो इनकम है वो एस्केप हुई है असेसमेंट से, तो हम यहाँ पर बात करेंगे। 16 साल तक नोटिस आ सकता है, देख रहे हैं आप कितना लंबा समय है, 16 साल तक नोटिस आ सकता है। तो यहाँ बाकी सारे केस यहाँ पर बचे, यानी कि अगर इनकम 4 साल तक की, 1 लाख रुपए तक है अगर, अप टू मतलब लेस देन 1 लाख है, तो इस वाले 4 ईयर्स वाले होगा, क्योंकि छोटा सा केस है, 4 साल से ज़्यादा क्या परेशान करना होगा, है ना। टाइम लिमिट्स हमने समझी, इसके बाद टाइम लिमिट्स के बाद क्या है, सेंक्शन, हमें सेंक्शन लेनी पड़ती है अपनी बड़ी अथॉरिटीज से। किससे सेंक्शन लेनी है, आइए पढ़ें। नो नोटिस शैल बी इशूड अंडर सेक्शन 148 बाय एन असेसिंग ऑफिसर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अनलेस द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर इज सेटिस्फाइड ऑन द रीजन रिकॉर्डेड। अगर मुझे 4 साल के बाद नोटिस भेजना है तो मुझे कमिश्नर साहब की, अब इस बीच में मैं इस चीज़ से थोड़ा अलग आपको बता दूं कि पहले सिर्फ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते थे, इनके ऊपर होते थे CCIT चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ CIT और CIT, ये है कमिश्नर साहब।
कमिश्नर साहब, है ना। सीसीआईटी साहब सीआईटी साहब के ऊपर होते हैं, नाम से हमें पता चलता है, पर कुछ साल पहले अभी इनके नाम के आगे प्रिंसिपल भी ऐड कर दिया गया है, यानी कि प्रिंसिपल सीसीआईटी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनके आगे प्रिंसिपल सीआईटी। आपके जितने भी सेक्शंस में अप्रूवल आएगी, बहुत सारे सेक्शंस आएंगे जिनमें अप्रूवल हमें लेनी है, तो इनके साथ प्रिंसिपल आपको लैंग्वेज में किस तरह से दिया जाएगा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये दोनों सेम है, सेम, ये दोनों सेम है, अभी हमारे पास आएगी। तो देखें, अगर 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो हमें किसकी अप्रूवल लेनी है, पढ़ते हैं, अनलेस द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, ये दोनों तो एक ही हैं, और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर इज सेटिस्फाइड, ये इनमें से ये दो ही लोग हैं जिनका नाम अलग अलग एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, कमिश्नर इज सेटिस्फाइड ऑन द रीजंस रिकॉर्डेड बाय द एओ। अगर कमिश्नर इन अगर 4 साल हो गए तो आपको कमिश्नर साहब की या चीफ कमिश्नर साहब की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दूसरा, इन अ केस अदर देन अ केस फॉलिंग अंडर सबसेक्शन 1, नो नोटिस शैल बी इशूड अंडर सेक्शन 148 हु इज बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, यानी कि जॉइंट कमिश्नर साहब से। ये वाले केस कब हैं हमारे, अगर 4 साल बीत चुके हैं, 4 साल बीत चुके हैं तो हमें या तो सीआईटी साहब से लेनी है या सीसीआईटी साहब से। हम प्रिंसिपल बार बार नहीं लिखेंगे, कन्फ्यूजन होता है, चीज़ें याद नहीं होती हैं। 4 साल एलैप्स हो चुके हैं, अगर 4 साल से कम है तो या तो जॉइंट कमिश्नर साहब खुद भेज सकते हैं, या जॉइंट कमिश्नर साहब से जो बिलो हैं, जेसी साहब से जो बिलो हैं, वो अप्रूवल लेंगे जॉइंट कमिश्नर साहब से, अप्रूवल लेंगे जेसीआईटी साहब से, ठीक है, फिर वो भेज सकते हैं चिट्ठी। ये तो है आपकी, क्या क्या आपने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया टाइम लिमिट नोटिस भेजने की और किस किस की हमें सैंक्शन चाहिए। अगला है कि हमें ऑर्डर कब तक देना है, कब तक जारी करना है। नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन शैल बी मेड अंडर सेक्शन 147 किसका है, असेसमेंट का, अंडर सेक्शन 147 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर इन विच द नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व्ड। गोला लगाइए सर्व्ड पर, सर्व्ड, हम सर्व्ड की बात कर रहे हैं, इशू की बात नहीं कर रहे हैं, एसएससी तक पहुंच जाना चाहिए। नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन शैल बी मेड अंडर सेक्शन 147 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 9 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए मेरे पास 4 फरवरी को नोटिस आया, ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है, 31 मार्च, मान लीजिए 2018 था, 31 मार्च 2018 को ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, इससे 9 months, इससे लेके 9 months कब होते हैं जी, 9 months हमारे ये कंप्लीट 31 दिसंबर को हो जाते हैं 2018, 9 months यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। क्या पढ़ा हमने, 9 months। सेम बात ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर साहब की यहाँ पर भी है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर साहब की क्या बात थी, 12 महीने ऐड हो जाएंगे, 12 महीने ऐड हो जाएंगे, ये 12 महीने। चलिए अब एक बार हम अभी तक हमने जो पढ़ा उसको रिवीजन करते हैं जल्दी से, तेजी से। हमने पढ़ा कि हमारे पास स्क्रूटनी असेसमेंट हो सकता है, असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑफ इनकम स्किपिंग असेसमेंट हो सकता है, और सर्च एंड सीजर, सर्च एंड सीजर का एक हमने अलग से चैप्टर बनाया, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मज़े आएंगे पढ़ेंगे उसे। अभी हमने पढ़ा 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट, 143(3) का हम लिख के ही बता देते हैं आपको तेजी से, सेक्शन 143 का, 143 का नोटिस आ सकता है हमारे पास, 143(1) में होता है इंटीमेशन, जो आपको अमित सर ने पढ़ाया होगा इंटीमेशन, 143(2) में होता है नोटिस, 143(3) में होता है स्क्रूटनी, स्क्रूटनी 143(2) नोटिस भेजने की हमने टाइम लिमिट क्या पढ़ी थी, 6 months। हमने कंप्लीशन की टाइम लिमिट क्या पढ़ी थी इसकी, कंप्लीशन की हमने टाइम लिमिट 3 पढ़ी, 21 months, 18 months और 12 months, ये हमने 3 टाइम लिमिट्स इसकी पढ़ी। हमने ये पढ़ा कि ITR फाइल्ड होना मस्ट है, ये वाला असेसमेंट करने के लिए मस्ट है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन, हमने असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑफ इनकम स्केपिंग असेसमेंट, सेक्शन 147 में असेसमेंट होता है, 148 में नोटिस दिया जाता है, 149 में नोटिस की टाइम लिमिट दी हुई है, 151 में हमें अप्रूवल की दिया हुआ है, अप्रूवल किस किस से लेना है हमें, 153 में दिया हुआ है टाइम लिमिट हमें कब तक कंप्लीट करना है। ये नोटिस की हमने टाइम लिमिट क्या पढ़ी जी, नोटिस की हमने टाइम लिमिट अभी अभी पढ़ी थी, याद करते हैं चलिए दोबारा से, टाइम लिमिट ऑफ नोटिस ऊपर दी हुई है
फोर ईयर्स है, एक सिक्स ईयर्स है, 16 ईयर्स है, इसकी हमने पढ़ी 9 मंथ्स है, अगर TPO से आपको हमने रेफ़र किया तो 12 मंथ्स और ऐड हो जाएंगे इसमें। अप्रूवल हमें किस किस की लेनी पड़ती है, CIT साहब की, या CIT साहब की या CCIT साहब की, अगर दूसरा केस है 4 साल के अंदर ही है तो आपको जॉइंट CIT साहब की अप्रूवल लेनी पड़ती है। 153 मिनट टाइम लिमिट आपके दिए हुए हैं। ये जो हमने टाइम लिमिट लिखी ये 149 की यहाँ पर थी, और ये 9 मंथ की है, 9 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स, ठीक है जी। ये हमने छोटे से फॉर्म में अपना रिवीजन किया है। इतने पार्ट में अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और आपके डाउट का निदान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कल हम जब अगली क्लास लें तो आप ये वाली सारी बातें रिवीजन करके रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। थैंक यू।